आज हम अपने स्केल के दूसरे लेक्चर में देखेंगे कि प्लेन स्केल यानी सरल मापनी किस तरीके से बनाई जाती है। देखिए, अगर सरल मापनी की हम बात करें तो सरल मापनी जनरली दो इकाइयों को प्रदर्शित करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि किलोमीटर और हेक्टोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर। इस तरीके से अगर आपको लगातार दो इकाइयों को प्रदर्शित करना है तो उसके लिए आप सरल मापनी या प्लेन स्केल का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। देखिए, हमने पीछे की वीडियो में भी देखा था कि इसमें भी हमारा सबसे पहला काम RF कैलकुलेट करना होगा, फिर उसके बाद हमें अपना लेंथ ऑफ स्केल को कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद हम अपनी ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो आज का प्रॉब्लम है वो है ड्रॉ ए स्केल 1 centimeter equals to 1 meter to read decimeter to measure maximum distance of 6 millimeter. Show on it a distance of 4 millimeter and 6 meter. तो हमें जो यहाँ पे draw करना है वो scale है 6 meter के लिए, और यहाँ पे हमें RF की value दे दी गई है, यानी एक मीटर को हमें 1 centimeter अज्यूम करके अपने स्केल को ड्रॉ करना है, और उस स्केल पे जो हमें शो करना है वो डिस्टेंस हमें दी गई है 4 meter and 6 decameter। अब देखिए, 4 meter and decimeter, देखिए अगर अब देखें तो यहाँ पे जो दो कंजुगेटिव यूनिट्स आई हैं आपकी, दैट इज़ मीटर एंड डेसीमीटर। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे RF। RF क्या है? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, जो कि हमारा एक अनुपात है किस किस के बीच में, डायमेंशन ऑफ ड्राइंग एंड डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए, डायमेंशन ऑफ ड्राइंग हमारे पास क्या है, 1 centimeter, एंड डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो है हमारे पास 1 meter। तो यानी कुल ये जो RF की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज 1/100। देन उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल आपको दिया गया है, लेंथ ऑफ स्केल होता है आपका RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 6 meter, जिसको हमने 6 meter इक्वल्स टू 6 meter, अगर हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली जो हमारा रूलर स्केल है वो सेंटीमीटर के में अवेलेबल है, इसलिए हम हर एक यूनिट को अपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। सो हमारे पास मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो गई, 600 centimeter। सो लेंथ ऑफ स्केल इज RF इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस, विच इज गिवन बाई दिस। सो हमारे पास जो लेंथ ऑफ स्केल आ गया, दैट इज 6 centimeter। अब हमारा जो दूसरा काम होगा, अब कि हमें एक 6 centimeter लॉन्ग यानी लंबाई की एक लाइन खींचनी है, और जिसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके बाद हम सब डिवीज़न करेंगे, और उसके बाद हम अपने स्केल को एक रेक्टेंगल बॉक्स में बंद करते हुए अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी ड्राइंग करनी है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो पहला स्टेप था, हमने RF कैलकुलेट कर लिया। दूसरा स्टेप है हमें 6 centimeter की लाइन ड्रॉ करनी है। सो 6 centimeter की लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसको इक्वली नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि हमारा जो इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, देखिए इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं हमारे 6, तो 6 parts में हमें इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है एट एनी एंगल, इसके फर्स्ट पॉइंट से और
इस तरीके से किसी भी एंगल पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब अपने प्रकार में पेंसिल लगाते हुए कोई भी आर्क डिस्टेंस लेंगे और आर्क लगाएंगे। तो हमें क्योंकि 6 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम 6 आर्क लगाएंगे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, टू वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। सो हमने क्या किया, अपने एक लेंथ, एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन को ड्रॉ किया, और उसके बाद क्या किया, हमने इसको 6 नंबर में डिवाइड कर लिया विद द हेल्प ऑफ आर्क। अब क्या करेंगे, अब अपने ड्राफ्टर को इस पॉइंट पे फिक्स करेंगे, इस ड्राफ्टर को हम अपने इस पॉइंट पे फिक्स करेंगे, इस पॉइंट पर फिक्स करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस एंड को मिलाएगी। दिस वुड बी ए स्ट्रेट लाइन, सेकेंड हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे अपने जिस पॉइंट पे हमने यहाँ पे अपने लॉकिंग स्क्रू ड्राफ्टर के स्क्रू को लॉक किया है, सेम पॉइंट पे मूव करते हुए हम दूसरी लाइन भी ड्रॉ करेंगे। इसी प्रकार से हम बाकी लाइनें भी ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करेंगे, ड्राफ्टर को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के जो हमने ब्लैक कलर में ड्रॉ की गई है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल रखेंगे अपने हॉरिजॉन्टल स्केल को, और यहाँ इस पॉइंट से मैच करते हुए अपने हॉरिजॉन्टल स्केल को इसके पैरेलल कर लेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे पैरेलल लाइन इन वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम इसे एक इनको नंबरिंग देंगे 0। हम पहले पॉइंट को छोड़ते हुए, लेफ्ट से पहले पॉइंट को छोड़ते हुए नंबरिंग करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो अब हम देखेंगे कि हमारा जो लाइन है, 1-6 सेंटीमीटर की लाइन, 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। इसका जो लेफ्ट पोर्शन है, इसको अगेन हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो आपका इनिशियल पॉइंट, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को हम अगेन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विच विल बी 10 पार्ट्स। तो यहाँ से हम अपने अगेन यही तरीका अपनाएंगे, टेन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आर्क लगाएंगे और इस तरीके से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। और अगेन स्केल को हॉरिजॉन्टल लाइन के 0 डिग्री करते हुए हम अपने बाकी पार्ट्स के जो हमने सब डिवीज़न किया है 1 सेंटीमीटर का, उसको भी प्लेस कर देंगे, और अपने स्केल को एक रेक्टेंगल बॉक्स में बंद कर देंगे। हाइट आप अपने श्रद्धा अनुसार चूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ मीटर एंड दिस इज़ डेसी मीटर। सो दो हमने क्या किया, अपने स्केल को 2 सब यूनिट में डिवाइड कर लिया है। आरएफ प्लेस करेंगे हम यहाँ पर प्लेन्स, और जो भी इंफॉर्मेशन हम स्केल के नीचे शो करना चाहते हैं, आरएफ ऑलवेज विल बी बिलो योर स्केल। अब आपको जो भी डिस्टेंस यहाँ पे शो करनी है, आप वहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि आपको 4 मीटर एंड 6 डेसीमीटर आपको शो करना था। सो अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट से काउंट करेंगे,
दिस विल बी 0, 2, 1, 1, 2, 3 एंड 4 और फिर लेफ्ट में जाएंगे आपके पास 6 सब डिवीज़न हो गई है, दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, दिस इज विल बी द इनिशियल पॉइंट एंड दिस विल बी द फाइनल पॉइंट। और यहाँ एक डायमेंशन एंड एक्सटेंशन लाइन का यूज़ करते हुए अपनी जो डिस्टेंस है उसको शो कर देंगे। सो इस तरीके से हम अपने प्लेन स्केल का को ड्रॉ करते हैं। थैंक यू।